कैसे मर गई थी? कैसे मर गई? खुद से जल गई है, कोई जलाया है? जला दिया गया है। तेज बोलो, तेज। किसने जलाया? जिसके ऊपर अमल करके भेजे मैं वही चीज हूँ। एक हिंदू के बिहार की एक लड़की थी, उसके जिस्म में अमल करके भेजे हुआ है। तुमको जलाया कौन? जलाया था इसके घर वाले। इसके घर वाले? इस हमको हमारे घर वाले। तुम्हारे घर वाले कौन है? कहाँ रहते? बिहार के थे। क्या नाम है? बिहार के थे। आप लोग कहाँ से हैं? उसी के ऊपर अमल करके भेजा गया था। वही बिहार से ही? पहले तुमको इस लड़की में कौन भेजा है? इसका भाई भेजा है। कौन भाई? इसका सारा केस पलटुआ, इसके मायके का सारा केस इसके ऊपर पलटवाया गया। कौन भाई? इसका भाई। क्या नाम है उसका? उसका नाम नबी अहमद है। किससे भिजवाया? वो एक ओझा डाइन थे, इसकी हाजिरी वहाँ चलती थी, मखदूम अशरफ सैयद सुल्तान जागीर नगर सिमनानी के वहाँ। इसका केस 6 साल से था। इसकी शादी में इसको कराए थे। इसका केस, इसके नमाज कुरान के जरिए सारा केस ख़त्म हो गया था। इसके बच्चे के लिए किए थे कि इसके बाल बच्चे नहीं हों, लेकिन एक वली के दुआ से इसके नमाज कुरान के जरिए इसको सारी खुशी मिल गई थी। फिर ये नापाक थी, जब इसकी लड़की हुई तो ये नापाक हो गई थी। ये अदालत नहीं जाती थी मखदूम अशरफ के यहाँ। फिर इसका भाई एक टिपरी गांव है इलाहाबाद जिला की तरफ, ईट गांव पड़ता, वहाँ से दो चीज़ करवाया है। एक इसके बहन के ऊपर और एक इसके ऊपर, इसके बहन के ऊपर इसके मायके का केस रोक लगाया गया कि उसके बहन के ऊपर नहीं चले और इसके ऊपर चले। इसका भाई ले के गया, इसका केस यानी ख़त्म जब हुआ तो इसको अपने घर ले के गया। इसके दिमाग में हावी करवाया है और इसके सास ससुर के जरिया, इसके जरिया इसको वहाँ सब कुछ किया गया। उन लोग को हर कपड़ा पे किए थे कि कपड़ा ब्लू कलर यानी कोई भी कपड़ा। भाई का दुश्मनी है? इसका भाई सोचता है कि ये लोग इसके वजह से किए हैं, वो इसका भाई सोचता है, लेकिन इसके वजह से नहीं किया। चाहे जिसमें की कसम मुझसे खिला लें, चाहे जिसमें भी विश्वास करा लें, इसका भाई सोचता है कि इसकी वजह से इसके घर में किया गया। इसको हर हर इसके बहनों इसके हर हर इसको अल्जेम लगा के इसके जिस्म में ऐसे किया कि इसका तो करवा तो इसका भाई रहा है, तो फिर वो कैसे कहेगा कि ये खुद करवा रही है? वो करके इसके ऊपर पलटवाया है। काहे पलटवाया? क्या सोच के? कि उसकी शादी नहीं हुई इसके बहन की ना उसकी, कि सारा केस ये चलाए और हम लोग छुटकारा पा जाए। इसके उसकी शादी काहे नहीं हो रही है? क्योंकि वो कुंवारी है, वह एक वली जो है मखदूम अशरफ, वो सारा केस कुंवारी लड़की के ऊपर नया से पुरान चलाते हैं, दादा से बाबा से पूरा घर की सफाई करते हैं, पूरा घर का केस एक एक करके कुंवारी लड़की के ऊपर केस ख़त्म करते हैं। जो शादीशुदा रहती है उसके ऊपर केस नहीं चलता, जो इसके ऊपर था वो केस ख़त्म हो गया। फिर तीन लोग का कनेक्शन है, इसके सवार का, इसके बच्ची का, इसका, और जो इसके बड़े भाई का ब्लू कलर कपड़ा पसंद था आज ये पहन रहा है। तीन गोला यानी जब इसको सफ़ेद जादू इसके ऊपर भेजते हैं और काला जादू भेजते हैं, जब इसका दिमाग गर्म होता है जब ये भागती है, फिर इसको शैतान के जरिए इसको मारते हैं। बहन का इसके ऊपर पलटा है? हाँ, इसके घर लेके गया इसके जरिए, इसको सब कुछ बताया है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं तुम्हारे जरिए, लेकिन ये इसकी बात नहीं माना। क्यों?
क्योंकि जब इसके ऊपर ओझा डाइन वहीं कलकत्ता के तो वहीं बुलवाया था, जो जो ये रूम में वहाँ रहती थी वहीं बुलवाया गया ओझा और डाइन को, उनसे इसको जादू का केस तीन चीज करवाएगा, चार चीज, एक इसके बाप के ऊपर यानी भेजा गया, इसके माँ के ऊपर था, इसके तीन बहन हैं उनका नाम था मैं रईसा और जो इसके बहन के ऊपर थी वो अनीसा बेगम थी। इस ये जो है इसको बोले कि इसकी शादी नहीं हुई, इसका जो पहले केस था इसके दिमाग में बैठा के कचड़ा खिंचवाते गए कि इसकी कोई बात ना माने और इसको एकदम से दिमाग वो कर दिए। कौन है? इसका शौहर है लेकिन वो कौन है पीछे? इसका जेठ है लेकिन इन सब को आप एक बार पता कर लो इनके घर में क्या कर दिए क्या नहीं, ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। और इसके लड़की के ऊपर भी किए हैं कि दूसरे की लड़की का ये लाइटिंग करती है, उसकी लड़की करती है लाइटिंग दूसरे का पेट के जिसम का जो खिलाते पिलाते दूसरे के बच्चे को वो करती है। जादू आज भी इसके दिमाग में सर पे आता है, भेजते हैं। और इसका भाई भी बोला था कि चाहे जमने वाली जाइए तो ठीक ना हुई, जब तक जिसके बहन का जहाँ तक केस था जहाँ से रुकवाया गया वहाँ तक जाएगा, फिर ये यानी ये फिर वली के दरबार में हाजिरी चलाए ऐसे कि। और ये भी बोला गया शैतान के जरिए कि इसको 5,000 का महीना देंगे, ऐसा सब कुछ ये अपने होश में भी बताई है कि मुझे एक वली ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। इसको 3 महीना रोका गया है कि ये जब इसकी लड़की हुई है इसको 3 महीना रोका गया, इसको 2 बाटल दिखाते थे कि और सफ़ेद झोला दिखाते थे कि इसका आदमी 3 महीना नहीं आए, हम सारा इधर काम करके एक दिमाग पे बैठाए हैं एक बंदी और घर शैतान से बंधवा दिए हैं। उसके ऊपर अवघर था, वो बिहार का था, उसका नाम रहमान था और विष्णु नाम, वो हिंदू है, उसके ऊपर अमल करके इसको ऊपर किए हैं मियाँ बीवी का केस, जो यानी गलत रास्ता ले चले यानी हर काम करे हर चीज़ किए, ये गुनहगार है, ये एक नमाज कुरान वाली है, इसको इतनी मुसीबत में फंसा दिए हैं। वो बोला था कि कोई वली के दरबार में जाएगी ठीक नहीं होगी, इसके सर में इसके दिमाग में जादू आता कचरा आता है, मैं आपसे हाथ जोड़ूँ, मैं भी फंस गया हूँ इसके आगे, इसको इतनी जल्दी दिखा दो कि ताकि इसका भाई भी जान जाए कि मैं कहाँ गई थी ठीक हो गई, इसको इतना चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसको आप बचा लो। आज मैं कह रहा हूँ इसका भाई, इसका देवर कहाँ है? इसका देवर आज ये सब कुछ बताई थी कि देवर इसका कहाँ है कहाँ नहीं और कौन इस भगाया कौन है, सब कुछ इसको बताई। लेकिन इसके आदमी को हफ्ता होता ना पूरा, शनिचर इतवार बुध संडे मंगल बुध जुमा पूरा इसके ऊपर चढ़ा दिया गया है और शनिचर चढ़ा दिया गया। ये लड़ाई यानी इसके जिसम में जब हावी होता है काला जिन तो इसको मारता है और ब्लू कलर का देवर इसका कौन जगह है, किस जगह पे है बच्चे? मैं ये सब बता पे को ये देवर कहां है, इसका देवर कहां है, ये बताइए ये इसका देवर कहां है? इसका देवर चितरकोट एक ढाबा मंदिर है। कौन सी मंदिर? मंदिर है वहां हिंदू लोग जाते नहाने धोने और तेरे और तेरे औरत के नाम से करवा के तेरे बदलाम करवाने के वास्ते उसको भगाया गया, उसके जैसे आज इसको किए हैं उसको भी किया गया था कि वो भाग जाए। उसको मंदिर में है, वो चितरकोट है वहाँ पास मंदिर है, पहाड़ी इलाका है और ईटा पार के जहाँ का जो बोलते भट्टा वहाँ पास भट्टा वहीं पे वो ढाबा में है। क्या करता है ढाबा में? काम ढाबा में हाँ, खाना के लिए उसको ढाबे का नाम है नहीं मुझे नाम नहीं पता इतना। चितरकोट की कौन सी मंदिर है?
मंदिर कौन सी है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ वो पहाड़ी के पास इतना बड़ा मंदिर है। हाँ, बहुत बड़ी, वहाँ सब लोग जाते हैं नहाने धोने, वहाँ हाजरी भी चलती है, वहाँ सब लोग जाते हैं। हम जाएंगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके दिमाग वाला केस जल्द जल्द हटाना आप, क्योंकि इसके दिमाग में बंदिश है, जादुई बंदिश बहुत है, और जादू भी आज भी आता है। इसके आँख में 24 घंटा रहता है। चलो जाओ, तुम दवाई निकालो तो। मतलब कि एक दिन पहले आने का मतलब क्या, हमें फोन भी किए थे क्या? नेट पे हमने लिखा है कि एक दिन पहले आओ, तुम्हारे लिए खुल जाएगा, रूम दे देंगे, धर्मशाला दे देंगे। ये धर्मशाला तुमको दिख रहा है? लंदन से आप आ रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन लिखा हुआ है, नेट पे लिखा हुआ है ना, उसी दिन आना चाहिए। बाहर रुके हुए थे, फोन हमें किया, हमने कहा फौरन वहाँ से निकल जाओ, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। फिर आप कहीं 200 रुपये रात में बिताए, वो भी सेफ जगह नहीं है, ठीक है? अगर कोई दुर्घटना घटती है जो एक दिन पहले आता है, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। कैसे जो भी आए, डेट बाय डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे, नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है, नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार, रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। जिन्हें बाजा बुलाते हैं।